चंबल के बीहर से ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा खनन की सूचना पर पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर खनन माफियाओं का हमला। बालू से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को वन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर पकड़ने दौरान खनन माफिया के ट्रैक्टर ने रेंजर वाहकी पर चलाने का किया प्रयास। खनन माफिया के ट्रैक्टर के हमले में बाल बाल बच्चे और रेंजर भाई आर के सिंह राठौर। वन विभाग की टीम ने बचाव के लिए की हवाई फायरिंग रोका। अपने आप को घिरता देख बालू से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर भागा खनन माफिया। दो खनन माफिया अपने दो ट्रैक्टर भागने में रहे सफल। मौके पर सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना का लिया संज्ञान। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रेंजर भ के राठौर के मुताबिक एक सप्ताह से खनन की मिल रही थी लगातार सूचनाएं, जिसके लिए की गई छापेमारी पूर्व में भी हो चुके हैं। वन विभाग एवं पुलिस की टीम पर हमले, खनन माफियाओं के हमले नहीं रुक रहा। खनन का अवैध व्यापार। थाना बिनाहट क्षेत्र के अंतर्गत पड्डुआपुरा गांव के पास का मामला। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत। बुलंद खबर, नीरज यादव की रिपोर्ट। सर, आज थाना क्षेत्र के गांव पड़गोपरा में बनवाग की टीम ने कार्रवाई की, छापेमारी की है खनन के खिलाफ। क्या कार्रवाई की गई है? ये पड़गोपरा गांव है, इसमें लगभग 8 दिन से बार बार इसमें शिकायत आ रही थी कि चंबल बालू का खनन करके ट्रैक्टरों द्वारा ले आया था रात को। तो पहले भी एक दो बार छापा मारा, लेकिन ये पकड़ में नहीं आए। आज पूरा टीम के साथ, बाहर रेंज के पूरे समस्त स्टाफ के साथ, दो गाड़ियों से इनको पूरा छापा मारा गया। ये 3 ट्रैक्टर थे, उसमें से 2 ट्रैक्टर भाग गए, 1 ट्रैक्टर को घेर के पकड़ा गया। ये पड़ुआपुरा से जो रोड अमर सिंहपुरा के बीच निकलती, वहाँ पे ये इसको घेरा गया। तो ये गाड़ी पे चढ़ाने की कोशिश की तो ये भागा, तो बचाव करते हुए इसको घेर के पकड़ा गया। कोई पहचान वगैरह हुई है खनन माफिया कौन थे? पहचान इसमें एक 4 लोग थे, एक को पहचान लिया गया, जो उसका नाम आशादीप करके नाम है। आशादीप को हमारे स्टाफ है अंशुल कुमार, बीट प्रभारी हैं, उन्होंने उसको पहचान लिया। उसका नाम आशादीप है। कोई तैयारी वगैरह? आशाजीत तैयारी वगैरह, हाँ, इसको गाड़ी को लिया है, ट्रैक्टर को लिया है, और किसका है? 3 लोग हैं अज्ञात, उनका पता किया जाएगा। और ये वाहन ट्रैक्टर है जी, महिंद्रा, ये किसका है? बालू मौके पर ही उन्होंने खिला दी जो पड़ी हुई है, जिसको पुलिस स्टाफ और वन विभाग उसको देख के आए, फोटो वोटो कर ले उसके। गाड़ी को क्षेत्राधिकारी बिनाट के परिसर में ले आए, उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक सर। सिटी टुडे समाचार, बुलंद भारत। बुलंद खबर।